السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكر بيك عليك. خيرية شيخ مكرم، الحمد لله. هذا كله ما شاء الله. جي شيخ مكرم، أنا قاعد أكلي. شيخ مكرم पता नहीं और लोग आ जाएंगे ऐसा ऐसा। अच्छा कैसे किया मैं करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال آية نمبر 3. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ثم الله كتابه ورسوله ورسول كتاب ولا تولوا عنه إسه إعراض نفر مونا فرد وان تم تسمعوا إس عالم كي تم بات کو سن رہے अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुन के एराज नहीं कर। एक है कि आप सुनी नहीं, आप तक बात पहुंची नहीं तो आपका उजर है, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं सुनकर ना मानना ये ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। वला तकूनू ना तुम हो जाओ अल्लज़ीन उन लोगों की तरह कालू सुनैना जिन्होंने कहा हमने सुन लिया हम ला यशअरून हालांकि वो सुन नहीं रहे। यानी बज़ाहिर उन्होंने सुन लिया लेकिन उन्होंने माना नहीं, उसे अनसुना कर दिया। इन शर दवाब अल्लाह बेशक जमीन पर चलने वालों में से बदतरीन इन अल्लाह अल्लाह के यहाँ असू बहरे हैं अलबुक्म गुंगे हैं अल्लज़ीन ला याकिलून जो कुछ शऊर नहीं रखते अक्ल रखती नहीं। दाबत उनकी जमाए दवाब जो भी चीज़ जमीन पे रिंगती है उसको दाबा के दाबा उरत के अंदर छुपाई दो। तो फरमाया कि अल्लाह के यहाँ जितनी चीज़ें भी जमीन पे चलती है ना बदतरीन लोग वो हैं जो बहरे और गूंगे हैं सही वो समझते नहीं। वलो आलिम अल्लाह फीहिम और अगर अल्लाह इनमें जान देता खैरन तो इसको खैर ला अस्मअहुम अल्लाह तआला जरूर इन्हें सुनाता। वलो अस्मअहुम और अगर अल्लाह ने सुना भी देता लतवल्लज़हुम तो यकीनन ये पीठ फेर लेते इराज करते हैं। अल्लाह ताला यहाँ काफिरों की मुनाफिकीन और जिद्दी से बद लोगों की जो है ना वो जो है बुरी आदत का जिक्र कर रहा है कि ये हक सुन के भी अनसुना कर दे देख कर आंखें बंद कर ले अंधे बन जाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ बदतरीन लोग ये हैं जो हक को मानते नहीं बहरे बन जाते। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ऐ ईमान वालों इस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल अल्लाह और उसके रसूल की पुकार का जवाब दो। इज़ा दअकुम जब वो तुम्हें पुकारे लिमा युहयीक क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की पुकार में तुम्हारे लिए जिंदगी है तुम्हारे लिए जिंदगी है। वालम और ज्ञान लो अन्न अल्लाह बेशक अल्लाह का यकूल फाइल हो बेन मई आदमी के दरमियान वकल भी है उससे दिल के दरमियान तब उसे बंदा सब को छोड़ दे वन्नहु इलैहि तुहशरून और जान लो बेशक तुम अल्लाह ही की तरफ जमा किए हो। एक सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो नमाज में थे नमाज मुकम्मल करके आए फिर ये आयत उतरी गालिबन वो नफल नमाज में। तो अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानना फ़र्ज है जबकि नफल नमाज फर्ज तो नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के जितने भी अहकाम जो जो अवामिर हैं जो जो मना करदा काम हैं उन सब की फरमा बरदारी में हम सब के लिए ज़िंदगी है। कुरान और सुन्नत आपकी इत्तिबा हमारे लिए ज़िंदगी ईमान में ज़िंदगी आपकी सीरत पर चलने में ज़िंदगी है आपकी फरमा बरदारी में हमारे लिए ज़िंदगी ही ज़िंदगी।
जिहाद अल्लाह के कलमे को गालिब करने में हमारी जिंदगी, तो ये सूरत इसका ताल्लुक जिहाद के साथ है। यहाँ पर जिहाद की बात भी मुराद है, और वैसे भी जितने भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम उनके मानने में हमारे लिए जिंदगी है। वालमु, तुम जान लो, अन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला यहूलु, हायल होता है बेन अलमरी आदमी व कल्बी और उसके दिल के दरमियान, वरना और बेशक ये जान लो कि इलाही अल्लाह ही की तरफ तुहशरून, तुम जमा किए जाओ। जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को नहीं मानता है, जिद अपनाता है, तो फिर अल्लाह ताला उसके दिल पे मोहर लगा देता है, फिर अल्लाह ताला उससे तौफीक छीन लेता। अल्लाह हायल हो गया, अल्लाह और उसके रसूल की अहकाम को मानने में जिंदगी, जिस तरह के कसास के मुतल्लिक आता है ना सूरह बकरा में, आपने पढ़ा था वलकुम फिल कसास हया, कि कसास लेने में अल्लाह की हदूद नाफिज करने में तुम्हारी जिंदगी है, इसी तरह यहाँ भी उस जिंदगी का जिक्र है, दिल की हयात है वैसी जिंदगी है। फवायदी फवायदी, वत्तकू, तुम डर जाओ, फितनतन, एक बड़े फितने, ला तुसीबन लदीना, जो हरगिज नहीं पहुंचेगा उनको, दलमू मिनकुम खासा, जो तुम में से जिन्होंने जुलम किया उनको खास, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल अक़ाब, बेशक अल्लाह ताला बहुत पकड़ वाले, सख्त पकड़ वाले, जो भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को नहीं मान तो उसकी आजमाइश होती है, तो जालिमों की ही नहीं, जो भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की मुखालफत करता है वो उस पकड़ के अंदर आ जाए, आजमाइश में आ जाए, तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानना ये इंसान के लिए अमन की दलील है। फलयहज़ुरल्लज़ीना अन अम्री, उन लोगों को डरना चाहिए जो रसूल के अमर की हुक्म की मुखालफत करते हैं, कि कहीं उन्हें कोई फितना न पहुंच जाए, कोई आजमाइश न पहुंच जाए, या उनके लिए दर्दनाक किस्म का अजाब है। आपकी मुखालफत पर दुनिया में भी सजा मिलती है आखरत में। देखिए, रसूलुल्लाह ने एक शख्स को कहा जो बाएं हाथ से खाना खा रहा था, दाएं हाथ से खाओ, उसने कहा मैं ताकत नहीं रख, आपने कहा तो ताकत रख भी नहीं सकेगी, चुनाचे उसका दाया हाथ शल हो गया, इसे मुस्लिम के हदीस है, मुस्लिम। आपने फरमाया आज रात में से कोई भी शख्स वो अपने खेमे से बाहर ना निकले, तेज आंधी चलेगी, आप किसी वजह से वापस आ रहे, एक शख्स ने बाहर सर निकाला, हवा ने उसको उठाकर पटक दी तय पहाड़ पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर अल्लाह ताला आजमाइश कर दी। बहुत के अंदर आप देखिए, सहाबा इकराम ने आपकी बात नहीं मानी, दर्रा छोड़ दी, तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई। वद्कुरू, तुम जान लो, उस वक्त को याद करो, इज़ा अन्तुम क़लील, जब तुम थोड़े थे, मुस्तज़ाफून, नहायत कमजोर समझ जाते थे फिर अर्दी जमीन में, तखाफून, तुम डरते थे, अय यतख़त्तबकुमुन्नास, कि कहीं लोग तुम्हें उचक ना लें,
वाकुम तो अल्लाह ने तुम्हें ठिकाना दिया, वह अय्यदकुम बिनसरी तुम्हारी मदद की अपनी खास मदद के साथ, और रज़क़कुम मिन तैयबात तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र करो। एक वक्त था कि तुम थोड़े थे, तुम मक्का के अंदर मजलूम थे, हर एक तुम पे जुल्म करने वाला था, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, तुम्हें एक एक स्टेट अता किया मदीना। या अय्युल्लज़ीना ईमान वालों ला तखूनुल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तुमने खयानत नहीं करनी, व तखूनु अमाना थी और आपस की जो अमानते हैं उनकी भी खयानत नहीं करनी, वहां तुम चाहू इस हाल में कि तुम्हें पता हो इलम रखते हुए तुमने जो है खयानत नहीं करनी। वालम ज्ञान लो अन्नमा बेशक अम्बालुकुम तुम्हारा माल, वह औलादुकुम तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए ये बड़ा फितना है, वन बेशक अल्लाह के यहाँ इसका बड़ा अजर है। इंसान अगर अपने माल को औलाद को अल्लाह के रास्ते पे लगाता है और इसके फायदे इकट्ठा करता है तो ये इंसान के लिए दोनों जहां के अंदर मुफीद, दुनिया में भी आखिरत में। या अय्युल्लज़ीना आमनू ईमान वालों इन तत्तकुल्लाह अगर तुम अल्लाह से डर जाओ, यह जअलनकुम फुरकाना अल्लाह ताला तुम्हारे तुम्हें हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की सलाहियत अता कर दे। वो यकफिर अनकुम सय्यातिकुम तुम्हारे गुनाह मिटा देगा, व यगफिर लकुम तुम्हें माफ कर देगा, और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाले। अल्लाह का डर इंसान को कुव्वत दे देता है, हक और बातिल को बचाने में इंसान के गुनाह मिट जाते हैं, अल्लाह माफ कर देता, और अल्लाह बड़ा फजल वाला, ये फजाइल इंसान को मिलते। और उस वक्त को याद करो यम गुरु बिकार, जब तेरे बारे में मकर कर रहे थे वो लोग काफर जिन्होंने कुफर किया, ताकि वो तुझे हलाक कर दें या तुझे कत्ल कर दें या तुझे वो शहर से निकाल दें। वयम कुरू ना वयम कुल्ला वो भी चाल चल रहे थे, अल्लाह ताला तकबीर कर रहा है, और अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन तकबीर करने वाला। ये इशारा है हिजरत के वाक़े की तरफ, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब ने घेरने की कोशिश की और कहा कि अगर ये आज निकल गया तो बच जाएगा। अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई और बाहिफाजत आप मदीना गए। वही जाते थे आ रही माया पर जब इन पर हमारी आयात पढ़कर इन्हें सुनाई जाती है, कालू ये कहते हैं कद समय ना काफी हमने सुन लिया, लो नशा अगर हम चाहते लकुलना मिथला तो हम भी ये कह सकते, लेकिन इन आगा इल्ला साफिर वलीन ये तो पहले लोगों के किस्से कहानी है, हम इनको मानने वाले नहीं, किस कदर जिद्दी। वही फालुल्लाहुम्मा और जब इन्होंने कहा अल्लाह इन कान आगा वल हक तो मेरे अंदी, अगर ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है तेरी तरफ से तो हम तेरा आईना हजारत मिन असलम, तो हम पर आसमान से पत्थर नाजिल कर अभी इतना भी आदाब नलीम या दर्दनाक किस्म का आदाब हमारे लिए ले आ। तर्जमा वाजे शेख मोहतरम, ये वतखुनु अमानातेकुम, अमानत से क्या मुराद होता है? अमानत से मुराद किसी भी शख्स की दी की दी हुई कोई भी चीज जो उसने बतौर अमानत आपको रखवाई है, सही है ये माना। और दूसरा अल्लाह और उसके रसूल के जितने भी अवामिर हैं उनको मानना है, उनकी तुमने उनमें कोताही नहीं करनी, उनमें खयानत नहीं करनी। इसी तरह ये जो चूंकि जिहाद के मुतल्लिक आए थे तो सहाबा से खिताब है कि मुसलमानों के जो राज है ना वो आपने काफरों को नहीं देने, जिस तरह कि आपको पता है हातिब बिन अबी बलता रजी अल्लाह तआला उनका मक्का के अंदर कोई रिश्तेदार नहीं था, आपको याद है उन्होंने जासूसी करवा दी थी, एक लेटर लिख लिया था और फिर वही शेख, आदमी मतलब उनके रिश्तेदार तो थे। जी हातिब रजी अल्लाह तआला की वहाँ रिश्तेदार नहीं थे, ठीक है, और उनके कोई मुहाफिज नहीं थे, तो उन्होंने अपना एहसान करने के लिए मुसलमानों के मुतल्लिक एक लेटर लिख के भेजा, अल्लाह ताला ने वही के जरिए से बता दी। आपने सैयद अली रजी अल्लाह ताला को भेजा और
उनको जाके शेख मोहतरम, पकड़। इस बात की एक समझ है, लेकिन जी जी मौलाना सुना तो यही है कि हजरत हातिब रजी अल्लाह तआला के वहां कुछ मतलब घरेलू फैमिली के लोग थे, उनको बचाने के लिए उन्होंने खत लिखा था। जी 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 मैं यही तो कह रहा हूँ कि फैमिली थी लेकिन उनके कोई बचाने वाले, मुहाफाजत करने वाले कोई रिश्तेदार नहीं, घर था उनका। मेरी बात नहीं समझ रहा है, घर उनका था, फैमिली थी लेकिन उनके कोई मुहाफिज नहीं थे वहां, जिस तरह बाकी लोगों के सही। सपोर्टर थे या रिश्तेदार थे या हिफाजत करने वाले थे, उनका कोई नहीं था। तो उस वक्त फिर ये यानी इस तनाजुर में यानी कि अल्लाह और उसके रसूल के जो वादे हैं, जो राज हैं, आपने आम नहीं करनी, सही है, उनकी हिफाजत करनी, सही है, ये माना। और इसी तरह अपने नफ्स की खयानत से मुराद अपने साथ जुल्म, अल्लाह ने इस नफ्स को आपके जिम्मे किया है, आप अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे, सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, सही है, और इसी तरह आपके जो अपने राज हैं, सही है, आपके घर वालों के राज हैं, उनमें आप ख्यानत ना करें, वो आगे ना बताएं, जिस तरह के रसूल ने मना फरमाया कोई औरत अपने घर की बातें बाहर ना बताए, कोई मर्द ना बताए। जी शेख मतलब बातों से मुराद ऐब है, जी जी ऐब कोई मतलब मुराद हो सकते हैं। जी ऐप भी मुराद हो सकते हैं, कोई आपका राज हो सकता है, तो पर्सनल चीजें हैं। अच्छा, सही है सही है। शेख मतलब एक और बात, इन शर्र दवाबे में जो है, तो अल्लाह और उसके रसूल को ये आपने ये दर्स में फरमाया कि वो नहीं मानते काफिर, मुनाफिक और जिद्दी लोग, तो ये जिद्दी लोग कोई और हैं? यही जिनका ताल्लुक ही नहीं के साथ, सही, हक शेख मतलब बाजी। ये कोई और मखलूक होती है? ला याकिलून जो आया है आखिर में, बेअकल जानवरों से बदतर हैं। ये नहीं है तो यही है तो यही, सही है कि काफिर और मुनाफिक की जिद्दी होते हैं। बाकी इसमें नसीहत उन लोगों के लिए है जो हक देखते हुए भी लोगों के सामने कहते हैं हमने नहीं मानना, हमने बड़ों की बातें माननी, हमारे बड़े सही थे, सही है, तो वो भी हक सही। को जब छोड़ते हैं तो वो भी बेअकल ही हो जाते, जिद्दी किस्म के लोग। इसका मतलब है जो जिद्दी किस्म के लोग होते हैं वही बेअकल होते हैं। अजी देखे ना, बाज लोग मिसाल के तौर पर हमको समझाते हैं कि अल्लाह ताला का ये फरमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है, तो वो नहीं मानते, वो कहते हैं हमने बड़ों से ऐसे सुना है, सही है, तो अगरचे वो उनका काफरों के साथ ताल्लुक तो नहीं है लेकिन ये उनके अंदर खसलत वही है ना मानने वाली, जिद वाली, कि वो भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को मानते नहीं थे, बड़ों के तरीकों पर राजी थे और ये भी राजी, एक मुशाबत कहने हैं। शेख मतलब ये जो जिद्दी लोग हैं ना, ये हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल, मैं उन्हीं की तरफ इशारा कर वो रहा हूँ काफी कि बड़े मुसलमान हैं लेकिन जिद्दी जिद करते हैं, अपनी बात पे अड़े रहते हैं। जी सही कह, तो शेख मतलब ये फिर जानवरों से बदतर हैं। जाहिर है जो अल्लाह और उसके रसूल की बात को नहीं मानता, सही है, उसका उसके उसकी तोहीन करता है और उसका यानी उसका मजाक उड़ा देता है कि इसकी तो कोई हैसियत नहीं, तो उसका तो ये दर्द है। शेख मतलब जिद्दी लोगों को मुनाफिक कहते हैं? आपने तो अलहदा इनकी अमली क्लास बताई है अमली पहली दफा। अमली अमली तौर पे इनके अंदर निफाक होता है, सही है, इस्लाम पे राजी नहीं होता। तो काफिर, मुनाफिक और जिद्दी, ये शेख मतलब ये पहली दफा आपने एक अलहदा क्लास इनकी बताई है, जिद्दी लोग। ये कुरान में बार बार ये इस्तेमाल हुआ है, हमारे यहाँ पाए जाते हैं लेकिन ये कहलाते तो मुसलमान ही हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। बस अल्लाह ताला सुनाई। ठीक है जी, अल्लाह आपसे राजी हो। शेख हाँ मतलब ये मरे का माने बता दे जरा, बैन अल मरे व कल्बी, मरे से क्या मुराद है? आदमी और उसके दिल, यानी वो जो जिद्दी आदमी है ना, उसके और दिल, उसके दिल के दरम्यान फिर हक अल्लाह ताला हायल हो जाते हैं, हक की समझ छीन लेते हैं अल्लाह। ये मर क्या लफ्ज है? अल मरु मर ए आदमी को बैन। कहते हैं, अल मरु मा मन अहब्बा। अच्छा, ठीक, जजाकुमुल्लाह खैर। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़ राजी, बारकुल्लाहु फीकुम, जरा लीजिए बस, सुभानकल्लाहु वबिहमदिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्सलाम।